पंकज कुमार हो और पंकज कुमार के पिता का नाम बिग्गू साहू हो तो खड़े हो जाए कोई, जल्दी आई दौड़ के आई बेटा। जल्दी आए बेटा, विलंब मत करिए। माइक में फालतू बैठिए, माइक उठाइए। कहां से आए बेटा? बिहार गया से। बिहार से आए, क्या परेशानी आए? नौकरी के लिए आए? नहीं गुरु जी। तो संतान नहीं है गुरु जी। किसके? तुम आए जी गुरु जी। तो तुम्हारे आदमी को बच्चा होते हैं? पत्नी के। पत्नी का नाम क्या है? रिंकी देवी। रिंकी देवी, हमने लिखा है स्कीम देखें। रिंकी देवी को शीघ्र ही बालक होगा। बहन पुष्पा कुमारी को भी अनाज शुद्ध बोलना, आवाज शुद्ध बोलना सीखेगी। आपके घर में आपकी एक बहन है जिसका नाम पुष्पा है। जी गुरु जी। वो बोल नहीं पाती है, साफ नहीं बोल पाती है, बोलेगी। आशीर्वाद है पंडोकर धाम, पांच वर्ष करें, आशीर्वाद है। जय पंडोकर सरकार की जय। स्क्रीन श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार पे आस रखें, गुरु कृपा होगी और रिंकी के पुत्र होगा। पंडोकर धाम पांच वर्ष करें, आशीर्वाद है। ये मंत्र लिख के दे रहा हूं, उसको नियम से करिएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की जय, जय श्री राम। इसके बाद चलते हैं नंबर की ओर। जिनका नाम जगदीश हो और शंकर लाल ऐसा कोई है तो खड़े हो जाए। जगदीश शंकर लाल है, जल्दी आ जाए। आपके दादा का नाम सूरजमल है, आ जाइए। बैठ जाइए, इससे टच नहीं करना भैया। माइक उठाइए। कहां से आया दादा? नवलगढ़ राजस्थान से। नवलगढ़ राजस्थान। राजस्थान से क्या प्रश्न लेके आए? प्रसन्न गुरुजी, मेरे एक बच्चे और एक बच्चा, उन दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। बच्चे का नाम क्या है? देवेंद्र। बच्चे का नाम क्या है? सीमा। इसके पढ़ पा रहे हैं? क्या लिखा है? सीमा का दिमाग ठीक होगा, रेत बाधा है। बालक देवेंद्र की नसब। सीमा का दिमाग ठीक होगा, ठीक रहेगा, प्रेत बाधा है। बालक देवेंद्र का नसा पत्ता छूटेगा। 2026 तक पूर्णतः घर की सुख शुद्धि होगी, वृद्धि होगी, निरोग होंगे और नशा पत्ता छूटेगा। आशीर्वाद है। पर्चा देखिए स्क्रीन पर। इसके बाद नियम से पाठ जाप करें और हम लिखते हैं मंत्र, इसको विधि विधान से करिए। भाई साहब माइक से बात मत करिए, बगैर माइक की बात मत करिए। मैं बगैर माइक की बात नहीं करता, खुशो खुशो सुनता नहीं हूँ। मैं बताने एकदम रखता हूँ, जो नहीं कि माइक बंद कर दो फिर सारा कर दो माइक वाले को तो बोले हैं, फिर माइक नीचे सब पूछ लो फिर उसका लिखो। ये पंडोकर धाम का विधान नहीं है। नहीं गुरुजी, मैं जब चला था मेरी ये उम्मीद थी कि मैं गुरुजी के पास बैठ के मेरे को ऊपर बुला करके। चलिए माइक नीचे रखिए, जाइए दादा। समय पूरा हुआ, डाटा समाप्त हुआ। हाँ दीदी बोलो, ऐसे कहाँ से आई हो? दमो से आए पंडित जी। दमो? दमो जबलपुर सागर के। हाँ जबलपुर के। दीदी क्या पूछने आई हो? हमारा प्रश्न है पंडित जी, क्या हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और हमारे बेटे को कैंसर। हमारे घर बेटे को? हाँ। बेटे का नाम क्या? पप्पू। अभिषेक चौबे। पप्पू नाम है? नहीं अभिषेक चौबे। पढ़ी लिखी है? नहीं इतना तो नहीं पढ़ी। आप पढ़ लिखी नहीं तो मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो लिखूंगा लिखता रहूंगा। पहले स्क्रीन पढ़िए आप। इसके हमने लिखा है पठान की शक्ति का मूल कारण है, परेशानी बनी है, कैंसर रोग है और अब से ठीक हो जाएगा। अब से कुमार ठीक होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखिए, जो मोबाइल लिख रहे हैं उसको नियम से कर लीजिएगा। यदि आप करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलिए बोलिए पंडोकर सरकार की, ताली तो बजा दीजिए। कोई नीरज जी आए हो जिनके पिता का नाम सत्य प्रकाश जी है, कोई व्यक्ति तो खड़े हो जाए। नीरज सत्य प्रकाश, जिनकी पत्नी का नाम सविता देवी होना चाहिए, है क्या? नहीं है। भीमराम जी, भीमराम जी नाम से कोई व्यक्ति है जिनके पिता का नाम सोनाराम जी है, क्या भैया आपके नाम है क्या? तो जल्दी आओ ना फिर, आदमी तरसता है तुम तो यूं ही मटक रहे। आपको समझ में आ रहा? ऐसा सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, हर व्यक्ति को ऐसे ही पर्चा दिया जाता है। और यदि कह दिया कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो उनका पर्चा पहले स्क्रीन पर छोड़ा जाता है। लेकिन हम बता वही, इसे टच नहीं करना है, हम बता वही सकते हैं जो पंडोकर सरकार का आदेश होता है, पूज्यपाद गुरुदेव का आदेश होता है। जबरदस्ती के मैं एक शब्द भी नहीं बता सकता, फिर चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। पास में आओ दादाजी, दादाजी और पास में आओ। पढ़ लिखे हैं? थोड़ा थोड़ा पढ़े, माइक से बोलिए। कहां से आए दादाजी आप? क्योंकि हमारी पगड़ी और आपकी एक सी लग रही है। बाड़मेर राजस्थान से। आपकी ऐसी लग रही ना? हाँ।
क्योंकि हमारे भी पूर्वज लोग सिरोही से निकले हैं। अच्छा, इसलिए यही पगड़ी का डिजाइन पसंद करता हूं। तो बस बहुत पुरानी घटना है। वैसे तो हमारे लोग कई पीढ़ियां हमारी यहां बीत गई हैं, और कानकोज ब्राह्मण होने के बाद यहां से डायबिट सनाते में हुए हैं, क्योंकि क्षेत्रवाज रहने से वहीं पर सब खान पान हो जाते हैं, रस्ते चालू हो जाते हैं। ठीक है, वहां से राजपुरोहित हैं। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा एक पोता है, थोड़ा जन्म से विकलांग है, और एक मेरे आपके पोता का नाम क्या है? पोता का नाम जयराम। जयराम, हाँ जी। कहाँ रहता है पोता? पोता मेरे घर में ही रहता है। घर में ही रहता है, हाँ जी। बच्चों को ठीक कराना है? हाँ जी। पक्का काम उन्नति होगी, प्रॉपर्टी की लाइन में लाभ होगा, कार में सफलता मिलेगी, विस्तार होगा, कर्ज चुकता होगा, 2023 से चकाचक होगा, नोट तत्काल ही सफलता मिलना प्रारंभ होगी, पंडो का धाम 5 वर्ष से करें, जय राम, निरोग होगा, आशीर्वाद है। जय राम को आपको पंडो का धाम 5 वर्ष से करनी है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। क्या चाहते हैं उसको? पोता है ना जी, पोता है। क्या चाहते हैं उसके लिए? उसके लिए क्या चाहते हैं आप? एकदम चकाचक होना चाहिए। चकाचक ही कर दूंगा, हाँ जी। बिजनेस में, प्रॉपर्टी में एकदम लाभ हो साहब, हमारी गारंटी है, आपके पूरे काम होंगे, आशीर्वाद। इसके यहां का मंत्र, यहां का विधान नियम से करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है।